हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम के पेपर की आंसर की के बारे में, और ये जो पेपर हो 2019 का पेपर है जिसके आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पेपर उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो यूपी सीएचओ के एग्जाम देने वाले हैं। इनके एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं यूपी सीएचओ के। 9 और 10 को होगी आपकी एग्ज़ाम, तो जिनकी 9 और 10 को एग्ज़ाम है यूपी सीएचओ की, वो सभी इस पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से ध्यान देना। इसमें से 5-4 क्वेश्चन या 5-10 क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो सकते हैं, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन अच्छे से देखने हैं। मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बताऊंगा और उनके आंसर्स बताऊंगा। ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, सेम एज इट इज़ ऑप्शंस आपको एग्ज़ाम में भी मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को भी दबा देना, ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, देखिए जो फूड आप डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर पहली बार जो लेते हैं उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट इंजेशन, नेक्स्ट प्रोपल्शन, नेक्स्ट डाइजेशन, नेक्स्ट एलिमिनेशन। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए। यानी ऑप्शंस आप कंप्लीट पढ़ते रहना, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे इंजेशन, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। जो पहली प्रोसेस होती है खाना लेने की वो क्या होती है, इंजेशन। जैसे आप इंजेस्ट करोगे उसके बाद होगा प्रोपल्शन, यानी जो फूड है वो स्टोमक के अंदर जाएगा। देन उसके बाद होगा डाइजेशन, स्टोमक के अंदर क्या होगा, डाइजेशन। और जैसे ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, उसके बाद जो कचरा बचा है, जो वेस्ट बचा है, वो एक्सक्रीट आउट होगा बॉडी से, उसे क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रोसेस वो दे रखी है आपको। यहाँ पे सीधा से ये पूछा गया है कि जो फूड है उसको डाइजेस्टिव सिस्टम में लेने की जो फर्स्ट प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, और आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, इंजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट एन एक्वायर्ड इम्यूनिटी रेस्पॉन्स आर कॉल्ड, देखिए यहाँ पे वो कौन सा सब्सटेंस है जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन ए, एंटीजन। एंटीजन क्या होते हैं, जो जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है उसके रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। तो ये सब्सटेंस का आपको नाम पूछा गया और यही आपको करेक्ट आंसर करना है, एंटीजन। बाकी आप ऑप्शन पढ़ते रहना, सेम एज इट इज आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल इज कॉल्ड, देखिए जो स्मेल होती है ना तो सुगंध का पता चल रहा है ना ही बुदबू का पता चल रहा है, तो यानी कि जो स्मेल का जो सेंस है वो ख़राब हो चुका है किसी पर्सन का। तो देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि उस टर्म को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन बी, एनोस्मिया। क्या करेंगे आप, करेक्ट आंसर एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब है जो स्मेल है उसका जो सेंस होना चाहिए था वो सेंस नहीं हो पा रहा है, तो उस टर्म को बोलते हैं एनोस्मिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द फोर प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन, आपको यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक, चार जो प्राइमरी टेस्ट सेंसेशन होते हैं उनमें से नहीं है। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो तो बिल्कुल सही है, वो तो सभी टेस्ट सेंसेशन है, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो टेस्ट सेंसेशन नहीं है। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे, पहला ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शंस आप पढ़ते रहना, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी, स्पाइसी। स्पाइसी को छोड़कर जो तीन ऑप्शन आपको दिए गए सभी क्या है, टेस्ट सेंसेशन है, बिटर, सोर एंड साल्टी, लेकिन स्पाइसी नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगामेंट इन द बॉडी इज, आपको पूछा गया कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट है बॉडी के अंदर लिगामेंट का नाम आपको पूछा गया, कौन सा लिगामेंट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है बॉडी के अंदर। ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए, इलियो फीमोरल लिगामेंट। फीमर भी तो अपनी बॉडी के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, तो यहाँ पे जो लिगामेंट है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी का वो कौन सा है, इलियो फीमोरल लिगामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बोन इज, बोन का मेजर कंस्टिट्यूएंट्स आपको पूछा गया, कौन कौन से वो सब्सटेंस है या फिर कौन कौन से वो कंस्टिट्यूएंट्स है जो बोन के अंदर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन बी, कैल्शियम एंड फॉस्फेट। कैल्शियम एंड फॉस्फेट बोन के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। दोस्तों आप ऑप्शंस देखते रहना, आपके ऑप्शंस इसी प्रकार से होंगे जब भी आपकी एग्जाम होगी, जब भी इस प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द साइट ऑफ नीडल प्रिक इन ए नियोनेट फॉर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग इज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि बच्चों के अंदर आपको क्या करना है, बच्चों के अंदर ब्लड लेना है जिससे आपको क्या करना है, ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है। तो आपको ये पूछा गया कि आप निडल कहाँ पर प्रिक करेंगे, आपको साइट पूछ गया है
किस साइट पर आप निडल प्रिक करेंगे न्यूनेट्स के अंदर अगर आपको क्या करना है ग्लूकोज मॉनिटरिंग करनी है तो। ऑप्शंस आपके सामने है, सेम एज इट इज ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपको करना है वो करना है ऑप्शन ए हिल, जो हिल वाला पार्ट है जो एडी होती है उस साइड से निडल को प्रिक किया जाता है और वहाँ से ब्लड निकाल के ग्लूकोज मॉनिटरिंग की जाती है न्यूनेट्स के अंदर। अच्छा क्वेश्चन है, एम्स में भी पूछा जा सकता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स जो भी एग्जाम्स होती है और उनके अंदर भी पूछा जा सकता है। हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा बड़ा करके आपको पूछ ले, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल द फर्स्ट डोज ऑफ ओपीवी इज गिवन एट। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, नेशनल जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग ओपीवी की फर्स्ट डोज कब दी जाती है, ये आपको पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी 6 वीक 6 सप्ताह पे फर्स्ट डोज ओपीवी की अकॉर्डिंग टू नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल दे दी जाती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए यहाँ पे नोट भी लिखा हुआ है, यानी कि ओपीवी 0 डोज गिवन एट बर्थ। ध्यान रखिएगा आपको यहाँ पे पूछा क्या गया है, ओपीवी की फर्स्ट डोज की डेट आपको पूछी गई, मतलब ओपीवी की जो फर्स्ट डोज दी जाती है वो कब दी जाती है, लेकिन जो ओपीवी 0 होती है वो एट बर्थ पे दी जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओपीवी 0 जो डोज होती है वो एट बर्थ पे दी जाती है, ओपीवी फर्स्ट डोज जो है वो 6 वीक के ऊपर दी जाती है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर आपने पढ़ा भी होगा, और इम्यूनाइजेशन से 4 से 5 क्वेश्चन 100% CHU के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोकस ऑफ एडोलसेंट हेल्थ अकॉर्डिंग टू RMNCH+A इज ऑल एक्सेप्ट। देखिए जो एडोलसेंट की जो हेल्थ है किसके अकॉर्डिंग, RMNCH+A प्रोग्राम है इसके अकॉर्डिंग सभी कुछ सही है, मतलब जो प्रोग्राम है RMNCH+A इसका सभी हेल्थ जो एडोलसेंट हेल्थ है उनके अंदर फोकस है एक को छोड़कर, यहाँ पे एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शंस दिए गए अलग अलग, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी कैंसर काउंसलिंग, कैंसर काउंसलिंग को छोड़कर बाकी जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं तीनों ऑप्शन किसके रिगार्डिंग सही है, मतलब ये जो RMNCH प्रोग्राम है RMNCH+A जो प्रोग्राम है इसका फोकस है एडोलसेंट की हेल्थ के ऊपर, कौन सी स्ट्रेंथनिंग ARSH क्लिनिक एड्रेस टीनेज प्रेगनेंसी नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, तो ये सभी इनके ऊपर फोकस है, एक जो नहीं है वो कौन सा है कैंसर काउंसलिंग, और यही आपको करेक्ट आंसर करना है, यहाँ पे एक्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स इन इंडिया एज, इंडिया के अंदर जो मिनिमम एज होती है गर्ल्स की शादी की वो कितनी होती है, ये सभी को आपको पता भी होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है, 18 वर्ष जो है वो मिनिमम एज है गर्ल्स की इंडिया के अंदर मैरिज के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आयरन एंड फोलिक एसिड यानी कि IF टेबलेट फॉर एडोलसेंट इज कलर्ड, तो देखिए यहाँ पे जो IF टेबलेट आती है एडोलसेंट्स के लिए उनका कलर आपको पूछा गया है कि कौन से कलर में वो टेबलेट्स आती है दोस्तों। यहाँ पे जो आपको आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी ब्लू कलर में आती है IF टेबलेट जो एडोलसेंट्स को दी जाती है, उसका कलर आपको पूछा गया, आपको आंसर में करना है ब्लू कलर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वॉट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MCTS, ये BHC में भी पूछा गया था 2018 के अंदर, 2018-19 की एग्जाम में BHC में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि MCTS का मतलब क्या होता है, और आप सभी को इसका मतलब भी पता होगा। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली, जो ऑप्शन ए है वो इसका करेक्ट आंसर है, मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम। जब आप सब सेंटर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मिल भी जाएगा मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, और MCTS का ये फुल फॉर्म होता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमन सिम्टम्स ऑफ ट्यूबरक्लोसिस आर एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे सभी क्या है ट्यूबरक्लोसिस के कॉमन सिम्टम्स है एक को छोड़कर, तो एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी वेट गेन, कभी भी ट्यूबरक्लोसिस में वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस जरूर होता है, तो यानी ट्यूबरक्लोसिस अगर प्रोग्रेस में है तो उसमें वेट लॉस होगा, उनके जब डॉट्स वगैरह या फिर ट्यूबरक्लोसिस की जो एंटी ट्यूबरक्लोसिस जो ड्रग है वो अगर चल रही है तो उनमें मतलब डेली वेट हर बार जब भी वो एक महीने से टेबलेट्स लेने जब भी पहुंचता है कहीं पर भी जहां से उसको मेडिसिन चल रही है वहां पे उसका वेट मेजर जरूर किया जाता है कि बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर वेट लॉस होता है जब भी ट्यूबरक्लोसिस किसी पर्सन को होता है, तो वेट गेन कभी भी नहीं होता है। तो दोस्तों बाकी जो रिमेनिंग जो ऑप्शंस है
कफ फॉर 3 वीक्स और मोर, समटाइम्स विथ ब्लड स्टिकेड स्पुटम फीवर स्पेशली एट नाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारे के सारे क्या है, कॉमन सिम्टम है ट्यूबरकुलोसिस के। वेट गेन इसका कॉमन सिम्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी कि SDG आर पार्ट ऑफ द 2013 एजेंडा, 2030 का जो एजेंडा है उसके अंदर कितने पार्ट्स है, किसके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के। दोस्तों यहाँ पे जो आपको आंसर करने है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट ए ऑप्शन आपको करेक्ट आंसर करना है। 17 गोल्स है किसके, SDG के, 2030 के एजेंडा के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फुल फॉर्म ऑफ आशा, यहाँ से एम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, एम्स नॉर्थ में पूछा गया था, ए का मतलब क्या होता है, आशा के अंदर ए का मतलब क्या होता है। अब आप कहेंगे कि इसका एक्टिविटीज भी होता है और एक्रीडिएटेड भी होता है, तो यानी कि जो एक्टिविस्ट है वो भी होता है और एक्रीडिएटेड भी होता है, लेकिन आपको वहाँ पे ऑप्शन में एक्टिविस्ट कहीं पर भी नहीं दे रखा था, आपको सिर्फ और सिर्फ दे रखा था एक्रीडिएटेड, और वहीं आपको करेक्ट आंसर करना था। तो ये एम्स नॉर्थशेट 2020 में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। वैसे आपको एम्स नॉर्थशेट 2020 का पेपर भी बहुत जल्द मिलने वाला है, वो भी आप जरूर देखिएगा जो नॉर्थशेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है आशा की फुल फॉर्म को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन शुड बी गिवन फॉर मैनेजमेंट ऑफ डेंगू फीवर, देखिए डेंगू फीवर को मैनेज करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाती है, ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी पैरासीटामोल फीवर के अंदर दी जाती है, यहाँ पर भी डेंगू फीवर है तो डेंगू फीवर के मैनेजमेंट के लिए पैरासीटामोल हम दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर इज, आपको पूछा गया कितनी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन एयर के अंदर प्रेजेंट है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी 21%, और जो नाइट्रोजन वो कितनी है 78%। तो इस प्रकार से मतलब अलग अलग वैल्यूज आपको पूछी जा सकती है कि हवा के अंदर कितनी क्या ऑक्सीजन है, कितनी क्या नाइट्रोजन है, इस प्रकार से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हेल्थ डे थीम फॉर 2018 वाज, देखिए 2018 की आपको वर्ल्ड हेल्थ डे की थीम आपको पूछी गई थी, 2018 और 19 दोनों की सेम वर्ल्ड हेल्थ जो वर्ल्ड हेल्थ डे थीम थी वो दोनों की सेम थी, तो आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना था क्या करना था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवन एवरीवेयर, अगर आपको पूछी जाए 2018 और 19 की वर्ल्ड हेल्थ थीम तो आपको यही करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैक्सिमम रिजर्वायर ऑफ ब्लड इज, यानी जो ब्लड है वो मैक्सिमम कहाँ पर रिजर्वायर रहता है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए वेंस के अंदर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेस्पिरेटरी सेंटर इज लोकेटेड एट, जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो कहाँ पर सिचुएटेड होता है या कहाँ पर लोकेटेड होता है, तो आपको आंसर में करना है ऑप्शन सी मेडुला ओब्लोंगेटा, मेडुला ओब्लोंगेटा के अंदर होता है रेस्पिरेटरी सेंटर, जो पूरी रेस्पिरेटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ऑप्शन आप पढ़ते रहना दोस्तों। नेक्स्ट है, द पार्ट ऑफ ब्रेन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट इज, देखिए आपको पूछा गया कि ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो बॉडी के मूवमेंट्स के लिए या फिर जो रेस्पॉन्सिबल होता है कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स, जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उनके कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, तो आपको पूछा गया ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी सेरिबेलम, जो सेरिबेलम है वो होता है ब्रेन का पार्ट जो कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पेस बाय विच ड्यूरामेटर एंड वर्टिब्रल वॉल्व इज वॉल इज आल्सो नॉन एज या फिर नॉन एज, दोस्तों जो ड्यूरामेटर और वर्टिब्रल वॉल है इसके बीच में जो स्पेस होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी एपिड्यूरल, ये जो स्पेस होता है वो कौन सा स्पेस होता है, एपिड्यूरल स्पेस, किसके बीच में है, ड्यूरामेटर एंड वर्टिब्रल वॉल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स अकर्स इन द, जो मोस्ट ऑफ जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, ये तो आप सभी को पता होगा कि ये इंटेस्टाइन के अंदर होता है, लेकिन कौन से पार्ट के अंदर मोस्ट ऑफ जो फैट है वो एब्जॉर्ब होती है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी जेजुनम, जेजुनम के अंदर मोस्ट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होता है किसका होता है, फैट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NRHM, बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया कि जो NRHM है यानी कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो कब लॉन्च किया गया था, वॉज लॉन्च इन द ईयर, तो ये कब लॉन्च किया गया था, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया इज, यानी कि जो हर्निया है उसकी सर्जिकल रिपेयरमेंट करना क्या कहलाता है, ये आपको पूछा गया है। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए हर्नियोप्लास्टी, रिपेयरमेंट यानी कि प्लास्टी, तो यहाँ पे जो सर्जिकल रिपेयरमेंट कर रहे हैं किसका कर रहे हैं, हर्निया का, तो यहाँ पे हर्नियोप्लास्टी आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ लेबर प्लेसेंटा इज डिलीवर्ड। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी स्टेज में, लेबर की कौन सी स्टेज के अंदर जो प्लेसेंटा है वो डिलीवर हो जाती है, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन सी स्टेज थर्ड, स्टेज थर्ड के अंदर जो प्लेसेंटा है वो भी डिलीवर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बोन्स इज, जो बोन्स होती है इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वो कौन सी होती है, दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, आपको यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर करना है, पेरी ऑस्टियम, कौन सी होती है, पेरी ऑस्टियम, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन बी, सॉरी हाँ पेरी ऑस्टियम, यहाँ पे ऑप्शन बी आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट आपको पूछी गई थी, 2019 का ये पेपर है, बिल्कुल इजी सवाल यहाँ पे पूछे गए थे, लेकिन ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो आपको कंप्लीट क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जो किडनी है उसकी फंक्शनल यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन्स, आप सभी को पता भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज विटामिन बी टू, यानी कि जो विटामिन बी टू है उसका नाम आपको यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी टू है, फर्स्ट बायोटिन, नेक्स्ट राइबोफ्लेविन, नेक्स्ट पायरिडोक्सिन, नेक्स्ट नियासिन, ऑप्शन आप पढ़ते रहना दोस्तों, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, बी टू को कहा जाता है राइबोफ्लेविन। नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये मैं आपको 3-4 बार बता चुका हूँ, यहाँ से क्वेश्चन हर एक सीएचओ के एग्जाम में ऑलमोस्ट पूछा जाता है, नियासिन कौन से विटामिन का नाम है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, 3D होता है कि 4D इसमें सिम्टम होता है, कौन सा मतलब कौन कौन से यहाँ पे सिम्टम्स होते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड विच कैन स्टोर इट्स हॉर्मोन इज, वो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सभी हॉर्मोन को स्टोर करती है, तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है, ऐसी एंडोक्राइन ग्लैंड है जो सभी हॉर्मोन्स को स्टोर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट एंटीबॉडी इज, यानी कि लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम आपको दे रखे हैं, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन है या फिर कौन सी ये एंटीबॉडी है जो सबसे ज़्यादा बड़ी है, लार्जेस्ट है, दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी IgM, IgM क्या है, लार्जेस्ट एंटीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वन नीड टू ऐड 9 कैलेंडर मंथ्स टू द फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड एंड देन आल्सो ऐड, यानी कि आपको EDD पूछी गई, यहाँ पे डायरेक्टली आपको EDD पूछी गई है कि EDD क्या होगी, और यहाँ पे आपको बताया गया है कि 9 महीने जो है कैलेंडर के वो आपको ऐड करने हैं, और कितने दिन आप ऐड करोगे लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर जिससे आपको EDD का पता चल सके, आपको ये पूछा गया कितने दिन ऐड करोगे, ये तो आपको बता दिया गया है कि 9 महीने आपको ऐड करने हैं जो लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है LMP से, अब आपको ये पूछा गया कितने दिन और ऐड करोगे जिससे आपको EDD पता चल सके, तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी 7 days, 7 दिन और आपको ऐड करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस इज, दोस्तों नर्सिंग प्रोसेस आपने पढ़ी होगी अच्छे से, उसकी फर्स्ट स्टेप आपको पूछी गई है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन ए असेसमेंट, पहली जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है, असेसमेंट, उसके बाद आप करते हो प्लानिंग, उसके बाद आप करते हो डायग्नोसिस, इस प्रकार से मतलब अलग अलग आपने नर्सिंग प्रोसेस आपने पढ़ी होगी, इम्प्लीमेंटेशन आप लास्ट में करते हो, तो इस प्रकार से यानी नर्सिंग प्रोसेस की जो फर्स्ट स्टेप होती है वो कौन सी होती है, असेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एबनॉर्मली स्लो ब्रीदिंग रेट इज कॉल्ड एज, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो ब्रीदिंग रेट है वो एबनॉर्मली स्लो हो रखी है, तो इसे आप क्या कहेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए ब्रेडिनिया, आपको करेक्ट आंसर करना है ब्रेडिनिया, ब्रेडिनिया का मतलब होता है एबनॉर्मल स्लो ब्रीदिंग रेट। ओके नेक्स्ट, यहाँ पे अगर टैकिनिया बोला जाता तो फिर आपको आंसर में करना, आपको यहाँ पे जो ब्रीदिंग रेट स्लो दिखाई दे रही है यहाँ पे आपको वर्ड चेंज करके दिया जाता, मतलब जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाती है। ओके टैकिनिया में बढ़ती है, ब्रेडिनिया में कम होती है, सेम एज इट इज टैकिकार्डिया में बढ़ जाती है, ब्रेडिकार्डिया में कम हो जाती है, तो यहाँ पे पल्स रेट होती है, यहाँ पे ब्रीदिंग रेट होती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ टॉक्सिन और अदर फॉरेन सब्सटेंस दैट इंड्यूसेस एन इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी इज नोन एज, देखिए यहाँ पे
वो टॉक्सिन्स या फिर अदर जो भी फॉरेन सब्सटेंस जो इम्यून जो रेस्पॉन्स है बॉडी के उसको मतलब ये इंड्यूस करते हैं या फिर एक प्रकार से मतलब स्टिमुलेट करते हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है। सेम इससे पहले भी ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, एक ही एग्जाम में दो बार ये क्वेश्चन पूछा गया। देखिए यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन बी एंटीजन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोबैको एडिक्शन इज कॉज्ड ड्यू टू, जो टोबैको एडिक्शन है वो क्या कॉज करता है, किसकी वजह से होता है, तो यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन सी निकोटीन। टोबैको में होता है निकोटीन और इसका इसकी जो लत है वो लग सकती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू डिटरमाइन एडमिनिस्टर बीसीजी वैक्सीन, यानी जो बीसीजी की वैक्सीन है वो कौन से मेथड से एडमिनिस्टर की जाती है, आपको ये पूछा गया है। दोस्तों ये आपको फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है। आपको यहाँ पे जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन, ये एम्स में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन एम्स में भी पूछा गया था, वहाँ पर भी इंट्राडर्मल आपको करेक्ट आंसर करना था, एम्स नोट सेट 2020 के अंदर। तो जो बीसीजी की वैक्सीन है वो किस मेथड से एडमिनिस्टर की जाती है, तो आपको आंसर में करना है इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन या फिर इंट्राडर्मल जहाँ पर भी दिखाई दे वो आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पैरामीटर्स टू असेस प्रोग्रेस ऑफ लेबर एक्सेप्ट, यानी कि जो प्रोग्रेस ऑफ लेबर है उसको असेस करने के लिए सभी पैरामीटर्स यूज़ करते हैं हम, एक को छोड़कर एक्सेप्ट, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी फिटल हार्ट रेट। फिटल हार्ट रेट से हम पता नहीं लगा सकते हैं जो लेबर की प्रोग्रेस है उसका। बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं सर्वाइकल डायलेशन, डिसेंट ऑफ फिटस, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, इनसे हम पता लगा सकते हैं लेबर की प्रोग्रेस का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, जो वर्ल्ड एड्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, वो सेलिब्रेट किया जाता है 1 दिसंबर को। ये हर एक लगभग एग्जाम्स में बार बार पूछा ही जाता है, वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसीजर ऑफ रिमूवल एंड लाइगेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इज रेफर्ड एज, यहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन से क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सा प्रोसीजर है जिसके अंदर रिमूव करते हैं और साथ में लाइगेशन करते हैं, किसका, फेलोपियन ट्यूब का, इसे क्या कहते हैं या फिर इस प्रोसीजर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन डी ट्यूबेक्टमी। ट्यूबेक्टमी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। वैसेक्टमी के अंदर जो वासा डिफरेंस है उसको रिमूवल करते हैं, साथ में लाइगेशन करते हैं वासा डिफरेंस को, तो फिर उसे बोलेंगे हम वैसेक्टमी। अदरवाइज यहाँ पे अगर फेलोपियन ट्यूब से पूछा जा रहा है तो ट्यूबेक्टमी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सिस्टम ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग वैक्सीन इज फॉर्म्ड, देखिए जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम स्टोर करने का और ट्रांसपोर्ट करने का किनको, वैक्सीन को, वो कौन सा होता है, वो सिस्टम आपको पूछा गया है कि जिसमें स्टोर करते हैं साथ में ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वैक्सीन का, तो वो कौन सा सिस्टम है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन ए कोल्ड चेन। कोल्ड चेन सिस्टम है जिसमें वैक्सीन को स्टोर करते हैं साथ में ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज नॉन एज, यानी कि जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है इनके बीच का जो प्रेशर होता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर उसे कहा जाता है, पल्स डिफरेंस मत कर देना, यहाँ पे ऑप्शंस ऐसे ही दिए जाते हैं और आप गलत करके आ जाते हो। आपको ये पता है कि पल्स प्रेशर कहा जाता है, प्रेशर तक आप पहुँचते नहीं हो, पल्स डिफरेंस दिखाई दिया आप करके आ जाते हो, फिर आपका आंसर गलत हो जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस के ऑप्शंस को आप जरूर पढ़ लेना, सेम एज इट इज़ आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं ताकि आपको कंफ्यूज कर सके, और एक वर्ड आपको चेंज दिया जाता है और वो एक वर्ड जो चेंज दिया जाता है उसकी वजह से आपका लॉस भी हो सकता है। तो क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़े, उसके बाद जो ऑप्शंस है उनको भी एक बार आप अच्छे से जरूर पढ़े। तो यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, पल्स प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज स्कर्वी, स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर, विटामिन सी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी कॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ सिरोसिस ऑफ लीवर इज, जो सिरोसिस ऑफ लीवर है इसका जो मेजर कॉज है वो ऐसा मोस्टली कौन सा मेजर कॉज है जिससे सिरोसिस ऑफ लीवर होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए अल्कोहल एब्यूज़, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल का एब्यूज़र होते हैं, जो सबसे ज़्यादा दारू पीते हैं उनमें सिरोसिस ऑफ लीवर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इज़, यानी आपको पूछा गया कि ह्यूमन बींग्स के अंदर कितनी स्पाइनल नर्व्स प्रेजेंट होती है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन
सी 31 पेयर्स, कितने पेयर्स होते हैं 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फैट इज कंसिडर्ड टू बी हार्मफुल टू द बॉडी। देखिए यहाँ पे आपको पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से टाइप का जो फैट है वो बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी ट्रांस फैट। कौन सा फैट? ट्रांस फैट, ये बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोसिस इज ए कंडीशन ऑफ, आपको पूछा गया कि जो माइटोसिस है वो किस प्रकार की कंडीशन है, फिर माइटोसिस का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी सेल डिवीजन विदाउट रिडक्शन, मतलब सेल का डिवीजन हो रहा है लेकिन कोई भी रिडक्शन नहीं हो रहा है, मतलब सेल्स की क्वांटिटी बढ़ रही है वो कम नहीं हो रही है, रिडक्शन तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल का डिवीजन हो रहा है विदाउट रिडक्शन, और ये सीएनसीए के एग्जाम में भी पूछा गया था। सीएनसीए 2020 अभी एग्जाम हुआ था, जो 2021 का सॉरी 2021 के सीएनसीए के पेपर में भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो एंटीबॉडीज है वो किससे प्रोड्यूस होती है। ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए प्लाज्मा सेल्स, जो प्लाज्मा सेल्स है उससे बनती है एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन फैक्ट्री इन ह्यूमन सेल्स इज, यानी जो प्रोटीन फैक्ट्री है वो ह्यूमन सेल्स के अंदर कौन सी है जिसे प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। तो आपको आंसर में करना है ऑप्शन ए राइबोसोम, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड, और ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था BRCHO में भी, जो गॉल ब्लैडर है वो किधर लोकेटेड होता है, किधर सिचुएटेड होता है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन ए बिलो द लीवर, जस्ट लीवर के नीचे की तरफ होता है, जस्ट लीवर के नीचे की तरफ होता है, यानी कि यहाँ पे यूँ समझ लीजिए, यहाँ पे आपका लीवर है, यहाँ पे जस्ट नीचे होता है आपका गॉल ब्लैडर, यहाँ से इससे अटैच होता है इस प्रकार से, मतलब ये अटैच होता है। तो यहाँ पे आपको गॉल ब्लैडर की लोकेशन पूछी है, तो आपका आंसर में करना ऑप्शन ए बिलो द लीवर, जस्ट लीवर के नीचे की तरफ होता है गॉल ब्लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेम ऑफ द टिश्यू विच इज वाइडली एंड एविडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी उस टिश्यू का नाम आपको पूछा गया है जो सबसे ज़्यादा बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होती है, सबसे ज़्यादा जो पाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, कनेक्टिव, कार्टिलेजिनियस, लिम्फ मस्कुलर। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन ए कनेक्टिव टिश्यूज, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज एंड ऑल ओवर बॉडी के अंदर, ये मतलब ऑल ओवर बॉडी के अंदर ये पाए जाते हैं, मतलब जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर और सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन फॉर फ्रैक्चर हीलिंग, देखिए जो फ्रैक्चर हीलिंग है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा नर्सिंग एक्शन है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए इमोबिलाइजेशन, अगर फ्रैक्चर किसी का हुआ है तो इमोबिलाइजेशन उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, उसके फ्रैक्चर को हीलिंग करने के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन होता है फ्रैक्चर्ड हीलिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ओनली क्लास ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन विच इज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द प्लेसेंटा, देखिए जो प्लेसेंटा वो क्रॉस कर जाती है उस इम्यूनोग्लोबुलिन का आपको नाम पूछा गया है कि कौन सी वो इम्यूनोग्लोबुलिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। तो जी मतलब गो, यानी कि ये जो IgG होती है वो क्या कर जाती है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ECG द पी वेव रिप्रेजेंट्स, देखिए ECG के अंदर जो पी वेव होती है वो किसको रिप्रेजेंट करती है। एम्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2020 में तो नहीं पूछे गए लेकिन 2019 में इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019-18 में, तो अभी 21 जो चल रहा है इसके अंदर यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। देखिए जो पी वेव है वो ECG के अंदर किसको रिप्रेजेंट करती है, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। ECG का हम टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, उसके अंदर कंप्लीट ECG से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पे आपको बस इतना ध्यान रखना है, पी वेव जो होती है ECG के अंदर वो एट्रियल डीपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्ट ऑफ डिलाइब्रेटली एंडिंग ए पर्सन्स लाइफ टू रिलीव सफरिंग इज कॉल्ड, देखिए जो यानी कि जो एंडिंग वाला पर्सन होता है, मतलब जो मतलब उसकी जिसकी मौत जो है वो नज़दीक है, उसके लिए जो मतलब एक्ट्स बनाए गए हैं
उससे मतलब जो सफ़र होते हैं इस लाइफ से जो एंड में होते हैं, मतलब उनकी जस्ट मतलब कुछ दिनों का वो मेहमान होते हैं, उनके लिए जो एक्स बनाए गए उन्हें क्या कहते हैं, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी यूथेनेजिया, और ये क्वेश्चन 3-4 बार पहले भी पूछा जा चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट्स एग्जाम के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है जो एंडिंग पर्सनस लाइफ होते हैं उनके लिए जो रिलीविंग सफरिंग होते हैं या फिर एक्ट ऑफ डिलाइबरेटली होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, यूथेनेजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज ए पॉसिबल साइड इफेक्ट ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल्स। देखिए जो बर्थ कंट्रोल पिल्स है उसके साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट नोजिया, हेडेक, इरेगुलर ब्लीडिंग, नेक्स्ट ऑल ऑफ दी अबव। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑल ऑफ दी अबव। ये जो तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों ही क्या है, पॉसिबल साइड इफेक्ट होते हैं बर्थ कंट्रोल पिल्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन विल कॉज अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की डेफिशिएंसी होने से ब्रेन के अंदर कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डेफिशिएंट हो जाए फिर कमी हो जाए जिसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज कॉज हो सकती है। ऑप्शंस फर्स्ट आपने देख लिया, चलिए तीन ऑप्शंस और देख लीजिए। यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन ए जो एसिटाइल कोलिन है अगर इसकी डेफिशिएंसी अगर इनकी डेफिशिएंसी ब्रेन के अंदर हो जाती है तो उसकी वजह से अल्जाइमर डिजीज पर्सन के अंदर कॉज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन टेक्निक शुड बी अवॉइडेड बाई नर्स। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सी वो कम्युनिकेशन टेक्निक है जो नर्स के द्वारा अवॉइड करनी चाहिए, निम्नलिखित में से कौन सी कम्युनिकेशन टेक्निक जो है नर्स के द्वारा अवॉइड करनी चाहिए, यानी कि नर्स को ऐसी कम्युनिकेशन टेक्निक यूज़ में नहीं लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट बैली टेलिंग, ये आपको करेक्ट आंसर करना है, बाकी जो ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, IUCD स्टैंड फॉर, IUCD का फुल फॉर्म आपको पूछा गया है और ये अभी BRCH में पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना तो आपको करना था ऑप्शन सी इंट्रायूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, बिल्कुल इजी सवाल है। नेक्स्ट देखिए, SAM स्टैंड फॉर का मतलब है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंट वुमेन। नहीं, आपको एक वो स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है उसको आपको चूज करना था प्रेगनेंट वुमेन के इम्यूनाइजेशन को लेकर, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी, 3 doses ऑफ टिटनेस 1 in each मदर एंड बेबी ट्राइमेस्टर इज रिकमेंडेड, बाकी जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल एमंग द फॉलोइंग आर प्रिंसिपल मूवमेंट्स अकर ड्यूरिंग लेबर एक्सेप्ट, यानी कि कौन से वो मूवमेंट्स है, कौन से वो प्रिंसिपल मूवमेंट्स हैं निम्नलिखित में से जो सभी लेबर के दौरान होते हैं एग को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी रिट्रैक्शन, इंगेजमेंट होता है, क्राउनिंग होता है, रिस्टिट्यूशन होता है, लेकिन रिट्रैक्शन कभी भी नहीं होता है लेबर की प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर ऑफ द फर्स्ट टाइम MTP एक्ट लीगलाइज इन इंडिया, यानी कि जो MTP एक्ट है वो भारत के अंदर कब लागू हुआ था, सीधी सीधी बात ये है पहली बार MTP एक्ट कब लागू किया गया था। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी 1971 को, और ये जो है 1975 के अंदर इसको रिवाइज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज पर WHO पोस्टमार्टम हेमरेज इज डिफाइंड एज ब्लड लॉस ऑफ मोर देन ML, यानी कि कितने ML का लॉस अगर ब्लड का होता है कब, पोस्टमार्टम हेमरेज के दौरान, ये अकॉर्डिंग टू WHO आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो करना, ऑप्शन ए 500 ml अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर काउंट किया जाता है, मतलब पोस्टमार्टम हेमरेज के अंदर 500 ml ब्लड लॉस होता ही होता है, इससे ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है, एज पर अकॉर्डिंग टू WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मम्स इज डिजीज कॉज बाय, जो मम्स है वो एक प्रकार की डिजीज कंडीशन है जो किसके द्वारा फैलती है, तो आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए वायरस, ये वायरल डिजीज कंडीशन है, कौन सी, मम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असेस एज क्राउनिंग, यानी कौन सी स्टेज के अंदर क्राउनिंग जो है स्टेज, यानी निम्नलिखित में जो कौन सी लेबर की स्टेज है जिसके अंदर नर्स असेस करती है क्या क्राउनिंग, और ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है पहले भी बहुत सारी एग्जाम्स के अंदर। ध्यान रखना जो क्राउनिंग है वो कौन सी स्टेज में होती है, सेकंड स्टेज के अंदर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर प्रोटीन प्रेजेंट इन ह्यूमन मिल्क। निम्नलिखित में से कौन सी वो प्रोटीन है जो ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है यानी पाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन सी कैसिन। कैसिन प्रोटीन मोस्टली ह्यूमन मिल्क के अंदर प्रेजेंट होती है, पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बार्थोलिन ग्लैंड इज फाउंड इन, जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो कहाँ पर पाई जाती है। तो आपको आंसर में करना है ऑप्शन सी वेजाइना। वेजाइना के अंदर होती है बार्थोलिन ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट स्पॉट इन द स्कल इन बिटवीन द सुचर्स इज नोन एज। देखिए यहाँ पे जो सॉफ्ट स्पॉट है वो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्कल में, और बिटवीन द सुचर्स, जो सुचर्स है दो सुचर्स के बीच में अगर ऐसी फाइंडिंग्स मिलती है तो इसे क्या कहेंगे। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट है एटीट्यूड, यहाँ पे ऑप्शंस आप पढ़ते रहना दोस्तों, यहाँ पे आपको जो करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी फॉन्टेनल, वो क्या कहलाते हैं, सॉफ्ट जो मतलब फीलिंग्स होती है जो स्कल की किसके बीच में, सुचर्स के बीच में, वो कौन सी कहलाती है, फॉन्टेनल कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैंसन्स डिजीज इज द अदर नेम ऑफ, जो हैंसन्स डिजीज है उसे और किस नाम से जाना जाता है, यानी कि कौन सी डिजीज कंडीशन का दूसरा नाम है हैंसन डिजीज। तो यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन डी लेप्रोसी। लेप्रोसी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर में करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेलन चार्ट इज यूज टू असेस डिफेक्ट इन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, यानी यहाँ पे आपको पूछा गया स्नेलन चार्ट का यूज कि किसके डिफेक्ट को असेस करने के लिए स्नेलन चार्ट लिया जाता है। तो आपको आंसर में करना है ऑप्शन सी आई। अगर आई मतलब आंखें कमज़ोर हो जाती है, आंखों से दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है, ये असेस करने के लिए स्नेलन चार्ट यूज लिया जाता है, और इसकी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है एम्स में पूछी जा चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफगार स्कोर 9 मींस मतलब 9 मींस बेबी कंडीशन इज, यानी जो अगर अफगार स्कोर 9 आ रहा है तो बेबी कंडीशन कैसी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अगर 7 से कम होती है तो फिर वो पुअर या फिर इसके अंदर आती, और वेरी पुअर अगर 3 से भी कम होती है तो वो मतलब 5 से भी कम होती या फिर 3 से कम होती तो वो वेरी पुअर के अंदर आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डिक्रीज बोन डेंसिटी इज कॉल्ड। देखिए अगर बोन की डेंसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसे क्या कहेंगे, तो आपको आंसर में करना है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट कॉमन डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म्ड इन ए चाइल्ड हु इज सस्पेक्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम द मेनिंजाइटिस इज, यानी कि मेनिंजाइटिस से कोई बच्चा सस्पेक्टेड है तो उसमें कौन सा डायग्नोसिस टेस्ट करेंगे जिससे हम उस मेनिंजाइटिस का पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए जो ऑप्शंस है वो आपके सामने, ऑप्शन आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन डी लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर से हम पता लगा सकते हैं कि मेनिंजाइटिस इस बच्चे को हुआ है कि नहीं हुआ है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैक्टर बॉर्न डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक वैक्टर बॉर्न डिजीज कंडीशन है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी मलेरिया। जो मादा एनाफ्लीज यानी कि फीमेल मॉस्किटोज, जो फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटोज होते हैं उनके द्वारा ये ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन है, फैलने वाली डिजीज कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉलोइंग डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड बाई वाटर एंड फूड एक्सेप्ट। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि जो भी यहाँ पे आपको निम्नलिखित जो भी आपको डिजीज कंडीशन दी गई वो सभी वाटर एंड फूड से ट्रांसमिट होती है, एक को छोड़कर, एक्सेप्ट से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। डायरेक्टली जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन को पढ़ते हैं, वाटर एंड फूड ट्रांसमिटेड मतलब कौन सी वो डिजीज कंडीशन है जो वाटर फूड से ट्रांसमिट होती है, एक्सेप्ट को देखते ही नहीं है और डायरेक्टली आंसर कर देते हैं लियल लोजी, हेपेटाइटिस ए, पढ़ रखा है हमने। बिल्कुल आपने पढ़ रखा है और सही भी पढ़ रखा है आपने, लेकिन आपने क्वेश्चन को सही नहीं पढ़ा, जो क्वेश्चन आपको पूछा गया वो सही आपने नहीं पढ़ा, इसलिए आपका आंसर गलत हो गया। तो यहाँ पे आपको पूछा है एक्सेप्ट, यानी एक वो डिजीज कंडीशन कौन सी है जो वाटर एंड फूड से ट्रांसमिट नहीं होती है, तो वो कौन सी कंडीशन है, ऑप्शन ए हेपेटाइटिस सी। जो हेपेटाइटिस सी है वो वाटर एंड फूड से ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन नहीं है, ये ब्लड एंड बॉडी सिक्रेशन से, बॉडी सिक्रेशन या फिर ब्लड जो होता है उससे ट्रांसमिट होने वाली डिजीज कंडीशन होती है। बाकी जो तीन आपको डिजीज कंडीशन दी गई, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस ए, कोलेरा, तीनों वाटर एंड फूड बॉर्न डिजीज कंडीशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द अदर नेम ऑफ पर्टुसिस इज, पर्टुसिस का दूसरा क्या नाम है, यानी कि पर्टुसिस को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वूफिंग कप। वूफिंग कप के नाम से भी पर्टुसिस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन। देखिए जो ORS का सॉल्यूशन होता है उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सा जो कंटेंट होता है वो नहीं पाया जाता है, ये आपको पूछा गया। ORS के अंदर जो ORS सॉल्यूशन होता है उसके अंदर कौन सा कंटेंट नहीं पाया जाता है, ऑप्शन आपके सामने, एक जो कंटेंट वो कौन सा है, ऑप्शन बी कैल्शियम लैक्टेट,
ये ORS के अंदर नहीं पाया जाता, बाकी सभी बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड सभी ORS के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉजेज नोजिया एंड वॉमिटिंग इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि जो कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर नोजिया एंड वॉमिटिंग जैसी कंडीशंस डेवलप होती है प्रेगनेंसी के दौरान। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी HCG हार्मोन की वजह से फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नोजिया एंड वॉमिटिंग जो है प्रेगनेंट लेडीज के अंदर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज नोन एज फादर ऑफ सर्जरी, फादर ऑफ सर्जरी किसे जाना जाता है या फिर किसे कहा जाता है फादर ऑफ सर्जरी। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन बी सुश्रुता कहलाते हैं फादर ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी की खोज इन्होंने की थी और इन्होंने जो है सर्जरी सबसे पहले स्टार्ट की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो हिप्पोक्रेटस है इनको मेडिसिन के फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है और धनवंतरी चरक इनके भी कहा जाता है, इनको मतलब अलग अलग फादर ऑफ कहा जाता है, जिनकी मैंने एक अलग सी लिस्ट आपको दे रखी है, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं आपको बताया जाएगा और जो PDF है वो भी आपको दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टी ट्यूब ड्रेनेज इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग सर्जिकल प्रोसीजर, जो टी ट्यूब ड्रेनेज है वो कब यूज की जाती है, मतलब कौन सा वो सर्जिकल प्रोसीजर है जिसको परफॉर्म करने के बाद टी ट्यूब ड्रेनेज जो है वो यूज में ली जाती है। दोस्तों आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन बी कॉलेसिस्टेक्टमी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो कॉलेसिस्टेक्टमी अगर किसी पर्सन की हुई है तो उसमें टी ट्यूब ड्रेनेज लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉलोइंग आर द फर्स्ट लाइन मेडिकेशन फॉर TB एक्सेप्ट, मतलब यहाँ पे जो TB की फर्स्ट लाइन ड्रग्स है उनके सभी नाम है एक को छोड़कर, मतलब एक वो ड्रग है जो TB की फर्स्ट लाइन ड्रग नहीं है, हालांकि है TB की ड्रग लेकिन, यानी कि हो सकता है TB की हो या फिर कोई और हो लेकिन फर्स्ट लाइन ड्रग TB की नहीं है, वो कौन सी ड्रग है वो आपको पूछी गई। ऑप्शन सी आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, साइक्लोसेरिन, ये एंटी कैंसर ड्रग है, कैंसर के अंदर यूज ली जाने वाली ड्रग है, बाकी ये क्या है फर्स्ट लाइन ड्रग है आइसोनियाजाइड, इथामब्यूटोल एंड रिफामपिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज ए नर्स यू शुड वियर ग्लव्स फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटीज, यानी कि अगर आप एज ए नर्स ग्लव्स पहन रहे हैं तो मतलब कौन सी एक्टिविटी करेंगे तभी आप ग्लव्स पहनेंगे, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है स्टार्टिंग एन IV इन्फ्यूजन, नेक्स्ट गिविंग द न्यू बॉर्न एट फर्स्ट बाथ, नेक्स्ट चेंजिंग ए न्यू बॉर्न डायपर, नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग, ऑल ऑफ द अबव। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव, मतलब सभी काम जब आप करेंगे तो आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत पड़ेगी। IV इन्फ्यूजन अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप बच्चे को पहली बार नहला रहे हैं, अगर आप बच्चे का डायपर चेंज कर रहे हैं, तो सभी कंडीशन में आपको ग्लव्स पहनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मोस्ट फ्रीक्वेंट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन्फेक्शन इन ए यंग मेल चाइल्ड इज, देखिए आपको पूछा गया कि जो यंग मेल चाइल्ड है उसके अंदर मम्स की वजह से कौन सा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। दोस्तों मैंने आपको 3-4 बार पहले भी बताया और ये 5-7 बार CHU के एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है, तो ये CHU के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एम्स ये फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए ऑर्चाइटिस, यंग मेल चाइल्ड की बात हो रही है, यंग मेल चाइल्ड के अंदर अगर मम्स का कॉम्प्लिकेशन होगा तो वो क्या होगा, ऑर्चाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0.45% सेलाइन इज ए, देखिए यहाँ पे 0.9% की जगह 0.45 सेलाइन आपको यहाँ पे ऑप्शन में मतलब क्वेश्चन में दिया गया है, तो ये कौन सा हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा हो गया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर 0.9% होता तो ये कौन सा होता आइसोटोनिक सॉल्यूशन, अगर यहाँ पे 3% NS होता, अगर यहाँ पे 3% NS होता तो ये फिर कौन सा हो गया ये हाइपर टोनिक, मतलब टॉन्सिटी जितनी कम होगी वो हाइपोटोनिक, अगर नॉर्मल में रहेगा तो ये आइसोटोनिक, अगर इनकी टॉन्सिटी बढ़ेगी तो फिर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो 0.45% सेलाइन है वो क्या है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सेस यूरिन आउटपुट नॉन एज, अगर यूरिन आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस टाइम को क्या कहा जाता है, ये आप सभी को पता भी होगा पोलीयूरिया डायबिटीज़ के अंदर मोस्टली होता ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डेवलपमेंट ऑफ डॉट इन द वेन इज नॉन एज, देखिए यहाँ पे मतलब डेवलपमेंट ऑफ डॉट, हो सकता है यहाँ पे डॉट की जगह क्लॉट है, ओके यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे कर लेना आप क्लॉट। देखिए अगर वेन्स के अंदर कोई क्लॉट बनता है तो उसे क्या कहा जाता है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे जो आपको करेक्ट आंसर करना हो क्या करना, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसिस, अगर वेन्स के अंदर कोई भी क्लॉटिंग होती है फिर क्लॉट्स बन जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
शॉर्ट स्टेचर इज ए टाइप ऑफ डिसऑर्डर, यानी कि जो शॉर्ट स्टेचर है वो किस टाइप का डिसऑर्डर है, आपको आंसर में करना है मेटाबॉलिक, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है, यानी जो शॉर्ट स्टेचर है वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइस वाटरी स्टोल्स आर ऑब्जर्व्ड इन, जो राइस वाटरी स्टोल्स होते हैं वो कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं, आपको आंसर में करना है ऑप्शन बी कोलेरा। कोलेरा का क्या है, ये मोस्ट कॉमन साइन सिम्टम है, या बोल सकते हैं कि इसका क्लिनिकल फीचर है राइस वाटरी स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन इज, एंटी इन्फेक्टिव विटामिन कौन सा है, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन ए विटामिन ए, विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव विटामिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन सॉल्यूट कंपोनेंट ऑफ यूरिन इज, कौन सा मेन सॉल्यूट कंपोनेंट है जो यूरिन के अंदर सॉल्यूट हो जाता है, दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन ए यूरिया, जो सबसे ज़्यादा यूरिन के अंदर पाया जाता है और यही मेन सॉल्यूट कंपोनेंट होता है जो यूरिन के अंदर पाया जाता है, कौन सा है यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर इन्वॉल्व इन बोन रीअब्जॉर्प्शन, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी सेल्स है जो बोन रीअब्जॉर्प्शन के अंदर इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन सी ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है, रीअब्जॉर्प्शन को लेकर यहाँ पे बोन रीअब्जॉर्प्शन के लिए कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है, ऑस्टियोक्लास्ट। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाइट रे एंटरिंग द आईज आर कंट्रोल्ड बाय, देखिए जो लाइट रेज होती है, जो भी किरणें होती है लाइट की, उनको आई के अंदर एंटर होने से पहले कौन कंट्रोल करती है, अगर आपके सामने बैटरी जला के आपकी आंखों के सामने रखे तो क्या आप टॉलरेट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, मतलब यहाँ पे जब भी लाइट का फोकस आपकी आंखों में होता है तो उससे पहले इनको कौन कंट्रोल करता है, इन लाइट रेज को आंख के अंदर घुसने से कौन मना करता है, दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर में करना ऑप्शन बी आयरिस, जो आयरिस होती है वो कंट्रोल करती है, जैसे इसको लगता है आयरिस को कि बहुत ज़्यादा फोकस आ रहा है अपनी आंखों की तरफ तो वो आंखें ऑटोमेटिकली पर्सन बंद कर लेता है, तो आयरिस यहाँ पे इनको कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी एच आई वी व्हाट काइंड ऑफ इम्यूनिटी लॉस्ट, यानी कि जो एच आई वी जिस पर्सन को होता है तो उसमें किस टाइप की इम्यूनिटी का लॉस होता है, दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन डी सेलुलर इम्यूनिटी, एच आई वी के पर्सन के अंदर जो इम्यूनिटी का लॉस होता है वो होता है सेलुलर इम्यूनिटी का लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन टू डिटेक्ट सीजर्स, जो सीजर्स है उनको डिटेक्ट करने के लिए स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए, ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सी ईईजी, यानी ब्रेन को जो है डिटेक्ट किया जाता है जिससे सीजर्स को डिटेक्ट करने के लिए ईईजी की जाती है, बाकी यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए गए वो क्या है रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलोज फ्रैक्चर रेफर्स टू द इंजरी ऑफ, जो कैलोज फ्रैक्चर है वो किसकी इंजरी को रेफर करता है, तो आपको आंसर में करना ऑप्शन सी रिस्ट इंजरी, जो कलाइयाँ होती है उन कलाइयों की इंजरी को जो रेफर करता है वो कौन सा फ्रैक्चर रेफर करता है, कैलोज फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, जो जेनेटिक्स है वो किसकी स्टडी कहलाती है, जीन्स की, हेरिडिटरी की एंड वेरिएशंस की, ऑल ऑफ दी अबव की, तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑल ऑफ दी अबव, जीन्स हेरिडिटरी वेरिएशंस सभी की स्टडी करते हैं हम जेनेटिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईटिंग बिहेवियर कंट्रोल इज बाई, या फिर जो ईटिंग बिहेवियर है वो किससे कंट्रोल होता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से होता है ईटिंग बिहेवियर कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनिश येलो कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूड इंडिकेट्स, देखिए जो ग्रीनिश येलो कलर का जो एमनियोटिक फ्लूड होता है वो किसको इंडिकेट करता है, तो आपको आंसर में करना ऑप्शन सी पोस्ट मैच्योरिटी, पोस्ट मैच्योरिटी, दोस्तों यहाँ पे जो ग्रीनिश येलो कलर है वो किसको इंडिकेट करता है, पोस्ट मैच्योरिटी को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एंड लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एक्टोपिक प्रेगनेंसी इन फेलोपियन ट्यूब इज, दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर में करना है ऑप्शन ए एम्पुला, क्योंकि फर्टिलाइजेशन मोस्टली कहाँ पे होता है, फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले पार्ट के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, तो सबसे ज़्यादा रिस्क होते हैं कि यहीं पर जो है जो इम्प्लांटेशन है वो हो सकता है और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सबसे ज़्यादा चांसेज होते हैं एम्पुला के अंदर होने के, मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की एम्पुला। दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे, वैसे ज़्यादा रेशनल तो नहीं बताया लेकिन क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको सभी बता दिए गए, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो भी इन सभी क्वेश्चंस को पढ़ सके सॉल्व कर सके। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा, थैंक यू सो वेरी मच।